अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने इनपुट और इनपुट डिवाइसेस के टॉपिक को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है आउटपुट। आज के लेक्चर के बाद हम ये जान जाएंगे कि कंप्यूटर के अंदर आउटपुट क्या है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस यानी डिस्प्ले स्क्रीन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से जूसर मशीन के अंदर फलों को इनपुट दिया जाता है, जूसर मशीन उन फलों को प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट की फॉर्म में हमें जूस फराहम कर देती है, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट दिया जाता है, कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट की फॉर्म में जो चीज हमें देता है वो आउटपुट कहलाती है। कंप्यूटर चार किस्म के आउटपुट को निकालता है। वो अल्फाज को निकाल सकता है, तस्वीर को दिखा सकता है, वीडियोस को दिखा सकता है और आवाज को सुना सकता है। तो दोस्तों, जिस तरह कंप्यूटर दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, बिल्कुल इसी तरह आउटपुट भी दो किस्मों पर मुश्तमिल होता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट यानी वो किस्म जिसको सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखा जा सकता है, और बास औकात कंप्यूटर की मदद से किया हुआ काम कागज पर महफूज करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए जो आउटपुट इस्तेमाल किया जाता है वो हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। आइए हम इन दोनों में फर्क जानते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को सिर्फ स्क्रीन पर देखा जा सकता है और हार्ड कॉपी आउटपुट को देखने के लिए पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्योंकि कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है, इसीलिए हम इसको छू नहीं सकते। हार्ड कॉपी आउटपुट को बआसानी छुआ जा सकता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को महफूज करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करना होता है, यानी इसको कंप्यूटर के अंदर ही महफूज किया जा सकता है, और हार्ड कॉपी आउटपुट को किसी एल्बम या फिर फाइल के अंदर महफूज किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को मॉडिफाई यानी तब्दील करना बहुत आसान होता है, इसको कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल को बआसानी तब्दील कर सकते हैं। लेकिन हार्ड कॉपी आउटपुट को तब्दील करने के लिए हमें दोबारा इस पेपर को कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ता है। कंप्यूटर की मदद से हम उसको मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करने के बाद प्रिंटर की मदद से उसको निकालते हैं, जो कि एक लंबा प्रोसेस होता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हमें कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक। हम सेकेंड्स में एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी आउटपुट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हमें खुद से एक से दूसरी जगह जाना पड़ता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की नकल करना यानी इसके उसको एक से दो और दो से चार करना बहुत आसान होता है। इसको हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के फंक्शन के जरिए बआसानी कॉपी पेस्ट करके इसकी नकल बना सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी आउटपुट की नकल बनाने के लिए हमें फोटोकॉपी मशीन्स का सहारा लेना पड़ता है, जिसके लिए कुछ पैसे दरकार होते हैं। तो दोस्तों, ये था इन दोनों में मेन डिफरेंस। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आउटपुट को देखने के लिए जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अल्फाज, तस्वीर और वीडियोस को देखने के लिए डिस्प्ले स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अल्फाज और तस्वीरों को किसी कागज पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर मौजूद आवाज यानी म्यूजिक को सुनने के लिए स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आइए डिस्प्ले स्क्रीन को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसकी मदद से हम अल्फाज, वीडियोस और तस्वीरों को देख सकते हैं। आमतौर पर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉचेस और गेमिंग डिवाइसेस के अंदर डिस्प्ले स्क्रीन साथ मौजूद होती हैं, लेकिन इनको अलग से यानी डेडिकेटेड तौर पर भी मार्केट में मिलती हैं, जिसके मॉनिटर्स और एलसीडीज की शक्ल में। तो दोस्तों, आजकल टच डिस्प्ले स्क्रीन आ रही हैं, यानी उनको हम उंगली की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन को खरीदने के लिए कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, जिनमें सबसे पहले स्क्रीन साइज, रेजोल्यूशन और कलर। आइए हम इन तीनों को बारी बारी पढ़ते हैं। कोई भी स्क्रीन हाइट
और विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई पर मुश्तमिल होती है। स्क्रीन की लंबाई और चौड़ाई के जरिए उसका डायगनल निकाला जाता है। डायगनल दो ऑपोजिट कॉर्नर्स यानी दो आमने सामने कॉर्नर्स के बीच के फासले को डायगनल कहा जाता है और वो डायगनल ही दरअसल उस स्क्रीन का साइज कहलाता है। आमतौर पर स्क्रीन इंचेस में नापा जाता है। स्मार्टफोन्स 3 to 5 inches, टैबलेट 7 to 10 inches, लैपटॉप्स 11 to 17 inches और डेस्कटॉप आमतौर पर 19 to 27 इंचेस के मार्केट में मौजूद। दोस्तों, जब हम किसी तस्वीर पर मौजूद एक पॉइंट को ज़ूम यानी बड़ा करके देखते हैं तो वो तस्वीर हमें छोटे छोटे डॉट्स या फिर बॉक्सेस पर मुश्तमिल नजर आती है जो कि पिक्सल्स कहलाते हैं। जिस तरीके से इंसानी जिस्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल कहलाता है, बिल्कुल इसी तरीके से स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर का सबसे छोटा पार्ट पिक्सल कहलाता है। पिक्सल को पिक्चर एलिमेंट भी कहा जाता है। जब मैंने इस तस्वीर को जूम किया तो ये बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस पर मुश्तमिल हो गई और जब मैंने इसको और ज्यादा जूम किया तो मुझे हर एक बॉक्स अलग अलग नजर आ रहा है जो कि एक बॉक्स पिक्सल कहलाता है। दोस्तों, ये बॉक्स और भी दूसरे बॉक्सेस के साथ जुड़ा हुआ है जो कि अलग अलग रंग रखते हैं। जब ये तमाम बॉक्सेस एक साथ मिल जाते हैं तो एक तस्वीर बनाते हैं। दोस्तों, किसी भी तस्वीर पर मौजूद पिक्सल्स की तादाद जितनी कम होगी उतना ही उन पिक्सल्स के दरमियान फासला ज्यादा होगा और फासला ज्यादा होने की वजह से हमें हर एक पिक्सल अलग अलग नजर आएगा और जिसकी वजह से तस्वीर अनक्लियर यानी साफ नजर नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे पिक्सल की तादाद बढ़ती जाएगी उनके दरमियान फासला घटता जाएगा और फासला कम होने की वजह से तस्वीर जुड़ती चली जाएगी और जुड़ने की वजह से उतनी ही ज्यादा साफ और शार्प यानी उसके अंदर मौजूद कलर्स उभरते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, किसी भी तस्वीर का शार्प या फिर साफ होने को रेजोल्यूशन कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि रेजोल्यूशन को किस तरीके से नापा जाता है। दोस्तों, रेजोल्यूशन मींस किसी भी स्क्रीन पर मौजूद पिक्सल्स की तादाद को रेजोल्यूशन कहा जाता है। अगर किसी स्क्रीन पर पिक्सल्स की तादाद कम है तो वो स्क्रीन फटी हुई और साफ नजर नहीं आएगी, तो इसका मतलब है कि उसकी रेजोल्यूशन बहुत कम है। लेकिन अगर किसी तस्वीर पर पिक्सल्स की तादाद ज्यादा है तो हमें उतनी ही ज्यादा साफ नजर आएगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, आपने अल्ट्रा एचडी या फिर एचडी स्क्रीन्स के बारे में सुना होगा। आइए हम देखते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन किस तरीके से निकाली जाती है। दोस्तों, रेजोल्यूशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के जरिए निकाला जाता है जिसका नाम है एच मल्टीप्लाई बाय वी। एच रिप्रेजेंट करता है किसी भी स्क्रीन पर मौजूद एक हॉरिजॉन्टल लाइन को और वी रिप्रेजेंट करता है किसी भी स्क्रीन पर मौजूद एक वर्टिकल लाइन को। जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर मौजूद पिक्सल्स को मल्टीप्लाई कराया जाता है एक वर्टिकल लाइन के पिक्सल से तो इसके जरिए उस स्क्रीन पर मौजूद पिक्सल्स की तादाद निकल आती है जो कि रेजोल्यूशन कहलाती है। एचडी स्क्रीन्स के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में 1920 पिक्सल्स मौजूद होते हैं और एक वर्टिकल लाइन में 1080 पिक्सल्स मौजूद होते हैं। जब इन दोनों पिक्सल्स को आपस में मल्टीप्लाई कराया जाता है तो 20 लाख से भी ज्यादा पिक्सल्स निकलते हैं जो कि एक स्क्रीन पर मौजूद होते हैं और वो उस स्क्रीन की रेजोल्यूशन कहलाते हैं। दोस्तों, डिस्प्ले स्क्रीन्स को खरीदने के लिए जिस तीसरी चीज का ख्याल रखना पड़ता है वो है उसके अंदर मौजूद कलर्स। हम ये जानते हैं कि स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर छोटे छोटे डॉट्स पर मुश्तमिल होती है जो कि पिक्सल्स कहलाते हैं। पिक्सल्स का काम क्या होता है? पिक्सल्स के अंदर स्क्रीन पर मौजूद रंगों की शिद्दत को महफूज किया जाता है। यानी जैसे कि पेड़ है तो इस पेड़ के पत्तों में कौन सा कलर होगा और इसकी शाखों में कौन सा कलर होगा, तो इसकी इंफॉर्मेशन को पिक्सल्स के अंदर महफूज किया जाता है। दोस्तों, कलर्स के हिसाब से डिस्प्ले स्क्रीन्स को दो टाइप्स पर तोड़ा जाता है। मोनोक्रोम, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये सिंगल कलर पर मुश्तमिल होती है, यानी इनके अंदर मौजूद पिक्सल्स एक वक्त में एक कलर ही दिखा सकते हैं।
इनकी तीन टाइप्स हैं, पेपर वाइट जो कि एक वक्त में या तो वाइट या फिर ब्लैक कलर को दिखाते हैं, एम्बर जो कि येलो और ब्लैक कलर को दिखाती है, और ग्रीन स्क्रीन्स जो कि ब्लैक और ग्रीन कलर को दिखाती हैं। दोस्तों अपने महदूद कलर्स होने की वजह से ये आमतौर पर नहीं इस्तेमाल की जा सकती। तो आमतौर पर कौन सी डिस्प्ले स्क्रीन्स इस्तेमाल की जाती है? RGB डिस्प्ले स्क्रीन्स। RGB डिस्प्ले स्क्रीन्स के अंदर एक पिक्सल तीन कलर्स पर मुश्तमिल होता है, तीन प्राइमरी कलर्स पर मुश्तमिल होता है, लाल, हरा और नीला। लाल कलर्स पर, लाल कलर जो है वो 0 से 255 यानी 256 अलग अलग कलर पर मुश्तमिल होता है, यानी जैसे जैसे रेड कलर पर ब्राइटनेस कम होती रहती है इसके कलर्स चेंज होते रहते हैं और वो 0 से 256 255 तक कलर्स बनते हैं। 0 यानी 0 पर रेड बिल्कुल नहीं होता और 256 पर रेड बिल्कुल फुल ब्राइट होता है, यानी इसके ऊपर फुल लाइट पड़ रही होती है। इसी तरह ग्रीन और इसी तरह ब्लू के भी 256 और 256 कलर मौजूद होते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से बचपन में हम दो कलर्स को मिलाकर एक नया कलर बनाते थे, बिल्कुल इसी तरीके से जब हम इन आरजीबी डिस्प्ले स्क्रीन्स के अंदर इन तीनों कलर्स को मिलाकर अलग अलग कलर्स बनाए जाते हैं, तो जब रेड के 256 कलर और ब्लू के 256 कलर और ग्रीन के 256 कलर आपस में मिलते हैं तो एक वक्त में 1,67,77,216 कलर्स स्क्रीन पर दिखाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे कलर्स होने की वजह से स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर बहुत ही ज़्यादा शार्प, क्लियर और खूबसूरत दिखती है। दोस्तों ये थे डिस्प्ले स्क्रीन्स के फीचर। अगले लेक्चर में हम डिस्प्ले स्क्रीन्स की टाइप और वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।